हरियाणा में किसानों की खराब फसलों पर सियासी मरहम नजर आ रहा है। जी हां, किसानों की फसलें खराब हो गई हैं और लगातार इसको लेकर बयानबाजी तेज है। खराब फसलों को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर होता नजर आ रहा है। सरकार से जल्द गिरदावरी करवाने की मांग की जा रही है। किसानों की खराब फसलों को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर जल्द मुआवजा देने की, जल्द घोषणा करने की मांग उठाई है। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस विधायक वही किरण चौधरी की तरफ से भी जल्द गिरदावरी करवाकर किसानों को मुआवजा देने की मांग की गई है। सरकार को 500 रुपए तो बोनस देना चाहिए और जो क्षति हुई है वो करनी चाहिए गिरदावरी करा के, क्योंकि बहुत सारे जगह पोर्टल नहीं खुल रहे और पूरी तरह से गिरदावरी नहीं हो रही, पूरी तरह से किसानों की जो नुकसान हुआ उसका भरपूर गिरदावरी करवाओ, स्पेशल गिरदावरी करवाओ और ये 50% गिरदावरी की बात ना करो, क्योंकि 50% जब आप कहते हो तो इसका मतलब फिर किसान को कुछ मिलने वाला नहीं है। किसान को उसका हक जो है वो दिलना चाहिए। अब उसके बाद जो है बारिश हुई इतनी ज़बरदस्ती, ओलावृष्टि हुई और सारी, मैंने सारी जगह दौरा करा है, चरखी दादरी, भिवानी और यहाँ तो शाम, सारी जगह पूरी तरह से फसल जो है, जो थोड़ी बहुत भी जो बच गई थी सरसों की और गेहूँ की, वो पूरी तरह से बिक चुकी है। तो इस तरह के हालात के अंदर विधानसभा में ये बात कही गई थी कि हम तुरंत प्रभाव से जो है इसका वो करेंगे और इसके ऊपर गिरदावरी करवा के पैसा मिलेगा, लेकिन हमने देखा है कि ये केवल बातें बन के रह जाती हैं, असलियत के अंदर किसान को कुछ नहीं मिलता।